दोस्तों महाराष्ट्र की सारी राजनीति एक तरफ और अजीत पवार शरद पवार के आपस में जो चल रहा है वो राजनीति एक तरफ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों ही नेताओं की अलग हो चुकी एनसीपी जो पार्टी है उनमें से इतनी खबरें निकल के आती हैं डेली जो कभी इंटरेस्टिंग होती हैं, कभी झटका देने वाली होती हैं, अलग अलग तरीके के फ्लेवर वाली खबरें रहती हैं। लेकिन एक जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो सच मानिए ये अजीत पवार के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका अजीत पवार को लगा है और ये ऐसा बम शरद पवार ने फोड़ दिया है जिसकी आवाज की गूंज महायुति के बाकी दोनों दल को भी सुनाई देगी। शरद पवार के साथ एक ऐसी नेता चली गई है जिसने अजीत पवार को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों अजीत पवार के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है धरमराव अत्राम। ये नेता अजीत पवार की एनसीपी में एक बड़े नेता भी हैं और साथ ही साथ अहेरी से विधायक भी हैं और वो वहां से काफी मजबूत नेता माने जाते हैं अहेरी विधानसभा सीट से। अब इसके बाद जो धरमराव अत्राम है उनकी बेटी अजीत पवार का साथ छोड़ के शरद पवार की पार्टी में जा चुकी है और ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि जो अहेरी विधानसभा सीट है वहां से धरमराव काफी मजबूत नेता हैं और उन्हें उस सीट से कोई हरा सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उनकी बेटी भाग्यश्री अत्राम जो कि अब शरद पवार की पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ये इसलिए मैं बड़ा झटका बोल रहा हूं क्योंकि अहेरी की विधानसभा सीट जो है वो अजीत पवार की ही एनसीपी की मानी जा रही थी अब तक और ये सीट उनके ही आएगी जीत करके उनके पास, ये महायुति के नेता भी मान रहे थे। लेकिन अब मामला 50-50 का होने जा रहा है ऐसा दिख रहा है क्योंकि भाग्यश्री अत्राम जो है वो बेटी हैं धरमराव अत्राम के और धरमराव अत्राम वहां से बहुत ही मजबूत नेता हैं और अब दोनों की आमने सामने की टक्कर इस बार के विधानसभा चुनाव में पक्की मानी जा रही है। और आपको बता दें कि जो भाग्यश्री है उनकी एक अलग इमेज है वहां पर, एक उनकी अलग रिस्पेक्ट है जो लोग उन्हें वहां फॉलो करते हैं और वो ये कह के ही शरद पवार की पार्टी में गई हैं कि वो शरद पवार के साथ इसलिए गई हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं और साथ ही साथ जब उनके पिता को नक्सली उठा के ले गए थे तो घर वापसी कराने में उनको वापस लाने में शरद पवार ने अहम भूमिका निभाई थी जिसके लिए वो ऋणी हैं और इसीलिए वो शरद पवार के साथ कभी नहीं छोड़ सकती उनका साथ और वो शरद पवार के साथ जो है वो गई हैं। अब यहां से अहेरी विधानसभा सीट की राजनीति बदलने जा रही है, इसीलिए कहते हैं कि शरद पवार का दाव समय पर ऐसा आता है कि कभी कभी उसका जवाब विपक्षियों के पास भी नहीं होता। धरमराव अत्राम एक बहुत बड़े नेता हैं अजीत पवार की एनसीपी में और विधायक हैं अहेरी सीट से और माना जा रहा है कि जब भाग्यश्री उनकी बेटी अजीत पवार का साथ छोड़ करके जब वो शरद पवार के साथ जा रही थी शरद पवार की पार्टी में शामिल हो रही थी तो अजीत पवार की तरफ से बहुत कोशिश की गई, तमाम जो है तरीके अपनाए गए कि कैसे भी भाग्यश्री को रोक लिया जाए वो शरद पवार की पार्टी में ना जाए। लेकिन भाग्यश्री फाइनली शरद पवार के साथ जा चुकी हैं, उनका दामन उन्होंने थाम लिया है, अब वो उनकी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और इस बात पे भी पुरजोर जो है वो जोर दिया जा रहा है और कन्फर्म ही खबर लगभग मानी जा रही है जब तक कि शरद पवार अनाउंस ना कर दें या अजीत शरद पवार की एनसीपी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो कि अब अहेरी विधानसभा सीट से जो धरमराव अत्राम है उनके सामने उन्हीं की बेटी भाग्यश्री अत्राम अब लड़ने जा रही हैं और ये इंटरेस्टिंग लड़ाई जो है पिता और पुत्री की विधानसभा सीट में देखने को मिलेगी। अब आप देखिए कि ये कहते हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादातर अपने ही परिवार के लोग चुनाव में आमने सामने टकरा रहे हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव, मुंबई की एक लोकसभा चुनाव की सीट है जहां से गजानन कीर्तिकर जो है जो कि शिवसेना में हुआ करते थे और जब शिवसेना बटी तो वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर वो चले गए एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, लेकिन उनके पुत्र अमोल कीर्तिकर जो हैं वो रहे उद्धव ठाकरे के साथ यूबीटी पक्ष में। और लोकसभा चुनाव में जब एकनाथ शिंदे महायुति के साथ हो गए और यूबीटी पक्ष जो है वो कांग्रेस के साथ हो गया तो यही पिता पुत्र की लड़ाई जो है वो मुंबई के भी लोकसभा सीट में जो है वो लड़ाई करने की कोशिश की गई कि पिता पुत्र को आमने सामने खड़ा किया जाए क्योंकि गजानन कीर्तिकर जो है वो बहुत ही मजबूत माने जाते हैं और उन्हीं के जो सुपुत्र हैं अमोल कीर्तिकर वो खड़े हो गए थे। लेकिन खैर बाद में चुनाव हुई, रणनीति बदली गई
और फिर वहां से रविंद्र वागर को खड़ा किया, और आपको पता ही होगा उसके बाद 46-47 सीटों के मात्र अंतर से अमोल कीर्तिकर को हार का सामना करना पड़ा, जो कि विवादों में है अभी भी। और यूबीटी पक्ष लगातार जो इसको लेकर दावा करता रहता है कि वहां से अमोल कीर्तिकर ही जीते थे, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया गया जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। खैर, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब परिवार के आमने सामने के लोग ही किसी चुनाव में खड़े होते हैं और लड़ते हैं। लेकिन शरद पवार का ये जो दांव है ये चारों खाने चित्त करने वाला है, क्योंकि शरद पवार उन सीटों पर अपने मजबूत कैंडिडेट तो उतार ही रहे हैं जहां पर सीट उन्हीं की मानी जा रही है कि ये शरद पवार के एनसीपी की सीट है और यहां से वो जीत के जाएंगे। लेकिन वो सीट जहां से महायुति के नेता मजबूत हैं, जहां से अजीत पवार की एनसीपी मजबूत है, वहां पर कैसे सेंधमारी करनी है, वहां कौन सा दांव चलना है कि वो सीट भी अपने पाले में मिला लिया जाए, ये शरद पवार बखूबी जानते हैं। और इसी दांव को शरद पवार ने जो है वो चला है, और अब पिता पुत्र पिता पुत्री की लड़ाई जो है वो आहेरी विधानसभा सीट पर उन्होंने बना दी है। अभी लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अजीत पवार के एनसीपी में और एक चीज चल रही है इन दिनों कि सीट शेयरिंग की वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सीट शेयरिंग का आपने देखा भी होगा, डिटेल में हमने वीडियो बनाया था कि अजीत पवार के एनसीपी के नेता अंदर अंदर दबाव बनाए हुए हैं कि अजीत पवार ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें लें, ताकि जो उनके विधायक हैं जो जहां से लड़ना चाह रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो मौका मिले। लेकिन बीजेपी जो है वो 150 की करीब सीटों पर जो है अकेले विधानसभा चुनाव फिर से लड़ना चाह रही है, और बीजेपी इस बार जीतेगी कि नहीं जीतेगी, जैसे 2019 में 150 सीटों पर लड़के 105 सीटें जीते थे, उस समय लहर थी, लेकिन इस बार लहर नहीं है। तो इस बार क्या बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी, इस चीज को लेकर के खुद एनसीपी के नेताओं में भी कई नेताओं में भ्रम है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में सबने देखा कि 28 सीटों पर लड़के कैसे बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर जीती, बहुत बड़ा नुकसान, और सबसे खराब स्ट्राइक रेट जो है वो बीजेपी का महाराष्ट्र में रहा। अब इसी चीज को लेकर के हालांकि बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि विधानसभा की चुनाव की लड़ाई अलग है, लोकसभा चुनाव जो है वो अलग होते हैं, कई मायनों में अलग होते हैं, लेकिन वोटर्स तो वही हैं और बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। और असंतोष की भावना नेताओं में पहले से ही है, क्योंकि कैबिनेट में बहुत ज्यादा कुछ मौका मिला नहीं एनसीपी के नेताओं को, अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं को, इसीलिए अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से कोशिश ये है कि बीजेपी से बात करके, उनके नेताओं से बात करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है अपनी पार्टी में लाई जाए। जैसे 100 से 105 सीटें एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं, वहीं 90 सीटें जो है अजीत पवार की एनसीपी मांग रही थी। हालांकि अजीत पवार ने ऑफिशियली इस बात को नहीं कहा था, लेकिन उनके नेताओं ने कहा था कि 90 सीट उन्हें लेनी चाहिए। अब इस बात को लेकर भी जो है रस्साकसी चल रही है, और ऐसे में अगर अजीत पवार की एनसीपी के कुछ नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है या उन्हें कम सीटें मिलती है विधानसभा चुनाव में, और कई सारे उनके नेता जो लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, अगर उन्हें वो मौका नहीं मिलता है, तो फिर शरद पवार के पास और एक मौका खुलेगा कि जो असंतोष से भरे हुए जो नेता हैं उन्हें अपने पार्टी में कैसे शामिल किया जाए, या उन्हें किस तरीके से जो है वो विधानसभा चुनाव में वो आगे रख सकते हैं, ताकि वोट काटने की राजनीति हो, चाहे वो असंतोष, हमने कई बार देखा ग्राउंड लेवल पे नेता भले खड़े ना हो लेकिन एक दूसरे को हराने के लिए वो बैकडोर से ऐसे कुछ काम करते हैं जिससे हार जीत का फर्क है वो काफी कम होता है, लेकिन वो पैदा होता है जिससे लोग हारते हैं, जिससे नेता जो जीते हुए नेता है वो भी हार जाते हैं, जिसके बहुत सारे उदाहरण हमने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी देखे, तो ये भी एक अलग समीकरण है। खैर, ये सब तो बनते रहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो झटका मिला है अजीत पवार को, ये झटका जो है बहुत बड़ा झटका है। अजीत पवार बहुत कोशिश कर रहे थे इस झटके को ना झेलें, इस झटके से बचा जाए, बहुत कोशिश की रोकने की भाग्यश्री आतराम को, लेकिन वो नहीं रुकी है, फाइनली वो शरद पवार के साथ में है, और अब शरद पवार जो है एक बहुत बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं, और जो जिसका झटका जो है वो अजीत पवार को पहले लग चुका है, और वो झटका अब महायुति को इस सीट को अगर हारते हैं तो इस सीट के रूप में भी मिल सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।